गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल और सेकंड प्रैक्टिकल ऑफ फिजिक्स, दैट इज टू स्टडी द वोल्टेज डबलर एंड ट्रिपलर सर्किट। ठीक है, ये हमारे पास किट है जिससे हम वोल्टेज डबलर और ट्रिपलर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इस किट से हम सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डिफाइंस बताना चाहूंगी। फर्स्टली, व्हाट इज वोल्टेज मल्टीप्लायर। ठीक है, अब हमने डबलर और ट्रिपलर सर्किट को पढ़ना है। डबलर और ट्रिपल सर्किट में सबसे पहले वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या है? वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या करता है? वो एसी की इलेक्ट्रिकल पावर जो भी है एसी की, उसको लोअर वोल्टेज में करके डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, सो व्हाट इज वोल्टेज मल्टीप्लायर? कन्वर्ट एसी इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम लोअर वोल्टेज टू अ हायर डीसी वोल्टेज। सेकंड इज रेक्टिफायर। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिसिटी के पेपर में, पेपर टू में मैंने ही आपको ये टीच किया था, रेक्टिफायर्स एंड टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम होता है? रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी पावर इंटू द डीसी पावर। ओके, एंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स आर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें से हमने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ा हुआ है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है? वो हमारे को अलाउ करता है हाफ आउटपुट, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव हाफ हमें मिलते रहते हैं। दिस इज द आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दिस इज द आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, जो हमें क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज टू पास एंड ब्लॉक द अदर हाफ। पॉजिटिव हाफ पास किया है तो वो नेगेटिव हाफ को क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। फिर पॉजिटिव हाफ को पास कर रहा है, नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर रहा है। दिस इज द आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ सेकेंड वन इज द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा नेगेटिव कॉम्पोनेंट ऑफ अ इनपुट वोल्टेज टू अ पॉजिटिव कॉम्पोनेंट। दिस इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ये उसकी आउटपुट है। अब हम करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है? जो भी उसका नेगेटिव कंपोनेंट था, यहाँ पे तो हमें नेगेटिव कंपोनेंट ब्लॉक हो गया, मिल ही नहीं रहा, और यहाँ पे जो भी नेगेटिव कंपोनेंट है उसको भी वो क्या करता है? पॉजिटिव कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। पॉजिटिव से तो हमें पॉजिटिव हाफ मिल गया आउटपुट में, नेगेटिव से भी हमें क्या मिल जाता है? पॉजिटिव हाफ मिल जाता है आउटपुट में। सिमिलरली ये ऐसे चलता जाएगा, दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव, दिस इज फ्रॉम नेगेटिव, दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव, दिस इज फ्रॉम नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है? हमारे पास ऐसे ब्रिज बने होते हैं, चार अरे डायोड्स का अरेंजमेंट होता है ब्रिज रेक्टिफायर में। हमारे पास ऐसे चार डायोड्स लगे हुए होते हैं, ये चार डायोड्स के अरेंजमेंट को हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ये भी फर्दर इसका काम, मेन काम इसका यही है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ओके, क्लियर है यहां तक? नाउ अब हम इस पे सर्किट पे आते हैं। सर्किट से एज वी स्टडी फ्रॉम दिस किट, एंड दिस किट इस एक्सपेरिमेंट का नेम है वोल्टेज डबलर एंड वोल्टेज ट्रिपलर। फर्स्टली आई विल लेट यू नो अबाउट द ट्रांसफार्मर सेक्शन। दिस इज योर ट्रांसफार्मर सेक्शन। ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन कौन सा है? ट्रांसफार्मर सेक्शन है। इसकी हेल्प से हम वोल्टेज डबलर और ट्रिपलर सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हम अपने ऑपरेटर्स को सप्लाई देते हैं, दिस इज द सप्लाई, ये पावर सप्लाई है, मैंने यहाँ कनेक्ट किया इसको, तो ये मेरा सर्किट ऑन हो गया। ठीक है, अब मैंने इसे पावर सप्लाई दी है, ये जो पावर सप्लाई हम दे रहे हैं ये एसी सिग्नल आ रहा है, और ये एसी सिग्नल 220 वोल्ट्स का होता है। ये 220 वोल्ट्स की वोल्टेज इसमें जाएगी, ये जो है ट्रांसफार्मर सेक्शन है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर हमारे पास कैसे बना हुआ होता है? ये इसके अंदर इंटरनली फिट है, जो हमें बाहर नहीं शो हुआ है। सो दिस इज द एसी मेंस, ये एसी मेंस दी है, एसी मेंस से हमें 220 वोल्ट हमने सप्लाई किया, जो हम सॉकेट से दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास है 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट कॉमन। ठीक है, तो ये मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मेरा हो गया 6 वोल्ट। 6 वोल्ट से मेरे पास एक कॉइल लगी होगी, देन 9 वोल्ट पे है, वहां से कॉइल है, फिर हमारे पास है 12 वोल्ट, और फिर हमारे पास है कॉमन। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसफार्मर सेक्शन, जिसका ये क्या है? प्राइमरी कॉइल है, और ये हमारे पास कौन सी कॉइल होती है? सेकेंडरी कॉइल होती है।
ठीक है। तो जब हमने सॉकेट से सप्लाई दी है एसी सप्लाई, दैट इज 220 वोल्ट, वो 220 वोल्ट वोल्टेज जो है वो इसमें जाएगी, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जाती है, और ये जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों है, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज हमने बाहर से दी है उसको वो स्टेप डाउन करके देता है, मतलब उस वोल्टेज को वो कम कर देता है, उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ इफ आई वांट टू चेक कितनी सेकेंडरी वोल्टेज आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 वोल्ट को इस वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, एंड दिस वोल्ट मीटर इज योर इनपुट वोल्ट मीटर। ठीक है, हमने इनके लीस्ट काउंट भी पढ़ने हैं, जैसे हम लीस्ट काउंट फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे वैसे ही हम इसका लीस्ट काउंट भी निकालेंगे। तो अगर अब मुझे चेक करनी है कि कितनी वोल्टेज आ रही है, तो मैंने इस 6 वोल्ट को कहाँ कनेक्ट कर देना है, इस वोल्ट मीटर के साथ, इनपुट के साथ। ये इसका एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल हम इसका कनेक्ट कर देंगे इसके कॉमन के साथ। ठीक है, दिस इज द कॉमन टर्मिनल एंड दिस इज द 6 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, अब मैं अगर देखती हूँ तो 6 वोल्ट पे मुझे ये 6 के राउंड अबाउट मिल रही है, 5 प्लस जो भी डिवीजन आ रही है, 5 प्लस डिवीजन आ रही है इसकी 5 और इनटू इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 6 वोल्ट, अगर हम 6 वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमें 6 वोल्ट के अराउंड दे रही है, तो बेसिकली हमारी जो पावर सप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 220 वोल्ट दी हमने, वो हमें 220 वोल्ट को उसने 6 वोल्ट में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, वोल्टेज को डाउन किया। क्यों डाउन किया, क्योंकि हमने उसमें लगाया हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होने की वजह से वो वोल्टेज डाउन हो गई। और अगर हमें थोड़ी हाई वोल्टेज चाहिए, आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर हमें 6 वोल्ट लिया है तो इसमें सिर्फ क्या है, इतनी सी इंडक्शन है, सेकेंडरी कॉइल्स इतनी सी है ना, तो मतलब इंडक्शन कम है हमारे पास। और अगर हम वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, सपोज मुझे अब यहां पर देनी है 12 वोल्ट, तो इसकी इंडक्शन कितनी हो जाएगी, सेकेंडरी कॉइल्स बढ़ गई तो मतलब इंडक्शन भी बढ़ जाएगी ना, तो हमारे पास वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। ठीक है, वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इस वोल्टेज को आगे भेजना है, अब हमें इसी वोल्टेज को आगे भेजना है, तो दिस इज योर डबलर सर्किट। ये इतना सा सर्किट जो है डबलर सर्किट है, दिस इज योर ट्रिपलर सर्किट, दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस, दिस इज योर माइक्रोमीटर, दिस इज योर आउटपुट वोल्ट मीटर एंड दिस इज योर इनपुट वोल्ट मीटर। अब इसी वोल्टेज को हम आगे भेजेंगे, तो ये वोल्टेज आगे कैसे जाएगी, मैं इसको डबलर के इनपुट में भेज रही हूँ, तो इसी इनपुट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी, दिस इज योर डबलर इनपुट, और दूसरा टर्मिनल भी आउटपुट के, सॉरी इनपुट के दूसरे टर्मिनल के साथ, ये मैंने वोल्टेज को आगे भेज दिया है। ठीक है, तो ये डबलर में वोल्टेज चली गई है आगे। सो बेसिकली अब हम कर क्या रहे हैं इसमें, बेसिकली यहां तक हुआ क्या है कि जो 220 वोल्ट हमारी सॉकेट से आ रही थी वो स्टेप डाउन होकर कितनी हो गई, 6 वोल्ट हो गई। उस 6 वोल्ट को हमने वोल्टेज डबलर में भी भेजा है और वोल्टेज ट्रिपलर में भी भेजा है। नाउ वोल्टेज डबलर और ट्रिपलर इस 6 वोल्ट का करेंगे क्या, तो डबलर सर्किट क्या करेगा, उस 6 वोल्ट को एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा देयरफॉर, और उसको क्या करेगा, डबल कर देगा। तो यहां पे अगर 6 है तो यहां पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें क्या मिलेगी, डबल होके मिलेगी। ठीक है, वो मैं अभी जब कनेक्शंस करेंगे तो हम उसमें आपको शो करेंगे, जो भी हमारी इनपुट वोल्टेज थी उससे डबल होके हमें क्या मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज। तो 6 वोल्ट दे रहे हैं तो हमें कितनी मिलेगी, डबल हो जाएगी, वो होगी 12 वोल्ट। दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ डबलर सर्किट। सिमिलरली अगर मैं ट्रिपलर के कनेक्शन करती हूँ, ट्रिपलर में 6 वोल्ट दे रही हूँ, तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगी, आउटपुट हमें ट्रिपल ओके मिलेगी फिर उसमें। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज डबलर एंड वोल्टेज ट्रिपलर। नाउ आपको एक चीज इसमें और बता देते हैं, ये जो हमारा सर्किट है उसके अंदर, दिस इज द डबलर सर्किट, ये सर्किट जो है हमारा डबलर का है, ये डबलर के हमारे इनपुट्स हैं, ये डबलर के हमारे आउटपुट्स हैं। डबलर में हमारे पास दो डायोड्स यूज हो रहे हैं, D1 एंड D2, ये दोनों डायोड्स हैं। डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, एज यू नो करंट हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है डायोड्स के अंदर, एंड ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये दो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं जो फिल्टर का काम कर रहे हैं। ये क्या करेंगे, डीसी को ब्लॉक करेंगे,
और एसी को पास करेंगे, और जो एसी पास होएगी वो सारी की सारी ग्राउंड में चली जाएगी। ये वाला कैपेसिटर फिल्टर करके एसी देगा, इसमें डायोड में से पास होके वो ग्राउंड में चली जाएगी। सपोज कुछ कंपोनेंट, बिकॉज कोई भी चीज 100% नहीं होती है, सपोज कुछ कंपोनेंट अगर एसी का बच गया और इस डायोड में से चला गया, तो वो क्या करेगा, फिर वो फर्दर इसमें से पास होके वो एसी ग्राउंड हो जाएगी और आउटपुट में हमें प्योरली डीसी ही मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली इन वोल्टेज स्ट्रिपलर सर्किट वी हैव 3 diodes एंड 3 capacitors। ये 3 diodes लगे हुए हैं हमारे पास, और यहाँ पे भी 3 capacitors लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने शो करे हैं capacitors कैसे हैं, और यहाँ हमने नहीं शो करे, वो इंटरनली इसके अंदर फिट हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास, वो यहाँ पर भी वो उनका काम यही है, एसी कैपेसिटर्स का काम है उसको फिल्टर करना। एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस का सर्किट है। 100 kilo ohms के लोड रेजिस्टेंस से दे रहे हैं, तो 1 × 100, तो हम इसे 100 पढ़ लेंगे, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। फॉर आर कन्वीनियंट हम उसे पहले ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेबल में सिर्फ क्या लिख देंगे, किलो ओम्स। ठीक है, अब हमारे पास इसके 2 tables हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।